अलखिदमत फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजर्स, वॉलंटियर्स, आज के हमारे इस प्रोग्राम में जितने भी शोक हैं, ऑर्फन्स हैं, एल्डरली हैं और मीडिया के जो दोस्त हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज का जो ये इवेंट है जी, ये तीसरा इवेंट है जो कि यूएनटी को सादत हासिल हुई है इसको ऑर्गेनाइज इधर होस्ट करने की। और अलखिदमत फाउंडेशन ऐसे काम कर रही है जो कि पाकिस्तान में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल के और उस क्वालिटी का काम नहीं कर रही जो अलखिदमत फाउंडेशन काम कर रही है। और जिस तरह अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि नेकी के कामों में एक दूसरे के मददगार साबित हो, एक दूसरे की मदद करो, तो जब भी हमें एज एन इंस्टीट्यूशन कभी मौका मिलता है कि कोई भी अलखिदमत फाउंडेशन की मदद कर सकें, तो हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ जो है वो इनकी इमदाद कर सकें। और मेरी दुआ है कि अलखिदमत फाउंडेशन फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर इससे भी बड़े काम करें, क्योंकि हमारे जो मुल्क के चैलेंजेस हैं ये बहुत बड़े हैं और इसके अंदर कोई एक तबका, चाहे वो हुकूमत हो या सिविल सोसाइटी हो या हमारी अफवाज है या कोई भी इदारा है, ये इसके एक किसी भी एक इदारे के बस के नहीं है। इस पे अगर हमें मुल्क के अंदर खुशहाली लानी है, मुल्क के अंदर गुरबत को कम करना है, मुल्क के अंदर गरीब आदमी की दुख और तकलीफ दूर करनी है, तो हमें हम सबको मिल के साथ काम करना पड़ेगा। और अलखिदमत फाउंडेशन जैसे जो इदारे हैं, ये इस चीज़ में, इस तरह के जितने मामलात हैं इसमें एक लीडरशिप रोल ले सकते हैं, जिसमें ये है कि ये सब को साथ मिलाएं और आम आदमी जो है उसका सोचें। और हम सब जो है, जिस भी एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, समझें सोशल वर्कर हैं या जो लोग सियासतदान हैं, सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सब आम आदमी का सोचें और हम पाकिस्तान का सोचें और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचें। तो ये जो है एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम सबको जो है मद्देनज़र रखनी चाहिए। और आज जो है हमारा इवेंट ऑर्फन्स के लिए है और जितने हमारे इधर ऑर्फन्स आए हुए हैं, मुझे इनसे मिल के बेपनाह खुशी हुई। और मैं खुद जो है आपकी तरह एक ऑर्फन हूँ और शुरू कुछ सालों से ही मेरा ये था कि मैं कुछ करूँ और इनको किसी भी तरीके से सपोर्ट करूँ। और 2018 में मेरे खुद जो है वालिद साहब दुनिया से जो है कार हादसे में आ गए, तो उसके बाद मेरा और अंदर एक यकीन था और एक इसके एहसास जो है वो मज़ीद उजागर हुआ कि कुछ ना कुछ जो है आपके लिए किया जाए। और आज का जो इवेंट है ये उसी सीरीज़ में जो हमें एक होस्ट करने की साजिश मिली है, वो एक चीज़ है, बस एक छोटी सी हमारी कोशिश है। और मैं जितने भी ऑर्फन्स हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपके हो सकते हैं वालिद ना हो, लेकिन आपके साथ अल्लाह की ज़ात खड़ी है और अल्लाह की ज़ात जो है ये आपके साथ 24 घंटे आपके साथ है। और आपका जो ताल्लुक़ है वो फ़र्ज़ करें कोई ऐसी बात हो जो आप अपने वालिद साहब अगर आपके नहीं हैं उनसे आप नहीं कर सकते, तो वो आप बात अल्लाह से कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ चाहिए आप अल्लाह से मांगें, आपको किसी ने आपका अगर दिल दुखाया है तो आप अल्लाह से गिला करें। और कोई भी आपकी अगर तमन्ना है, कोई भी आपने कोई आपका दिल हल्का करने के लिए कोई आपने बात करनी है, तो आप अल्लाह से बातें किया करें। और अल्लाह से बात और गुफ्तगू करने का जो एक तरीका है जो अल्लाह ताला ने खुद हमें दिया, जो एक नेमत है हमारे लिए, वो है नमाज़। ये रमज़ान का महीना है और बरकतों का महीना है और नमाज जो है ये हम सब पे फ़र्ज़ है और ये भी अल्लाह ताला से गुफ्तगू है। और जो कुफार हैं और जो मुसलमान हैं, इनके बीच में जो एक चीज़ इनको मुख्तलिफ करती है वो है ही नमाज। तो मेरी जो एक आपको मशवरा है वो ये कि आपने पूरी ज़िंदगी नमाज नहीं छोड़नी, नमाज आपने 5 वक्त कायम करनी है और ये आपको सुकून भी देगी, ये आपको इसी के ज़रिए आपको कामयाबी भी मिलेगी, इसी के ज़रिए आपको तस्कीन भी मिलेगी। तो जितने भी इधर ऑर्फन्स हैं बाकी भी अफराद हैं, उनसे मेरी एक ये गुजारिश है कि नमाज में आपने जो है ना
कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ये आपकी पूरी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर एक और मैं बात करूँ वो ये कि अगर आप समझते हैं आपके वालिद नहीं है, तो जितने ऑर्फन्स हैं आप एक दूसरे को जो है एक दूसरे के लिए एक सोर्स बने सपोर्ट का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि फ़र्ज़ करें अगर आपके माशरे में आप देखते हैं कि लोग आपके साथ नहीं खड़े होते, या कोई आपके साथ जुल्म करता है, या कोई आपका हक मारता है, तो जितने ऑर्फन्स हैं आप एक दूसरे का जो है वो सपोर्ट सिस्टम बने, आप एक दूसरे के लिए जो है वो एक दूसरे के लिए हेल्प करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के काम आए, और मिल के जो है आप ऐसे जो है जिधर आपको लगता है कि आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो एक दूसरे के लिए आप एक पूरा जो है सपोर्ट का सिस्टम बने। तो इसके साथ साथ एक और जो बात है वो बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो तालीम जो है इसको आपने ज़रूर हासिल करना है, क्योंकि तालीम जो है ये आपको एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का तरीका और एक कामयाब इंसान बनाएगी। तो अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपने तालीम ज़रूर हासिल करनी है, और सिर्फ 12वीं तक नहीं, आपकी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि आप बैचलर्स भी करें, यूनिवर्सिटी भी जाएं, मास्टर्स भी करें, और अगर आपके अंदर सलाहियत है और चाहत है तो बेशक PhD भी करें। तो ये आपको एक आम आदमी से मुनफरद बनाएगी कि आपके पास तालीम जो है, एक हाथ में तालीम होनी चाहिए और दूसरे हाथ में आपके दीन होना चाहिए। तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोकेगी। और एंड में मैं आप सबका, जो सब मेहमान आए आज UMT, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अलखिदमत को जो है जितनी दाद दी जाए वो कम है कि इतना कामयाब और इतना वसी और इतना एक ज़बरदस्त इन्होंने इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया है, और अल्लाह ताला इनके काम में मज़ीद बरकत दे और इनको मज़ीद कामयाबी दे और मज़ीद लोग इनके साथ जुड़ें और मिल के हम एक बेहतर पाकिस्तान बनाएं जिसके अंदर गुरबत ना हो, जिसके अंदर खुशहाली हो, जिसके अंदर इंसाफ हो। तो मैं आपसे सबसे इजाज़त लेता हूँ जी, बहुत शुक्रिया।